हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है अटेन्यूएशन एंड अटेन्यूएटर्स। ये चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे जिसमें हमें अटेन्यूएटर्स के बारे में पढ़ना है। अटेन्यूएटर्स क्या होते हैं, कैसे डिजाइन किए जाते हैं, कितने तरीके के होते हैं, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अटेन्यूएटर्स क्या होते हैं। तो जब हम लोग कभी कभी ट्रांसमिशन करते हैं, कोई सिग्नल ट्रांसमिशन करते हैं, तो हमें कई जगहों पर ये ज़रूरत होती है कि जो हमारा जो सिग्नल है, जो हमारा जा रहा है सिग्नल, उसमें जो वोल्टेज या करंट लेवल है उसको हमें कम करने की ज़रूरत होती है। कम करना मतलब उसको वीक करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा वोल्टेज या करंट होता है और हम चाहते हैं कि उसको कम करें, तो ये कम करना मीन्स अटेन्यूएट करना, इसी को कहते हैं अटेन्यूएट करना। तो जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो ट्रांसमिशन के कई स्टेजेज में हमें वोल्टेज और करंट को कम करने या अटेन्यूएट करने की ज़रूरत होती है, वीक करने की। ठीक है, तो कई जगहों पर हमें वोल्टेज और करंट जब ट्रांसमिट करते हैं कोई सिग्नल हम, तो उसको अटेन्यूएट करने की ज़रूरत होती है क्योंकि उनको वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो जो सर्किट इस काम को करती है उसे कहते हैं अटेन्यूएटर्स। ओके, तो अटेन्यूएटर अटेन्यूएटर क्या करते हैं, जो इनपुट पर आपको हाई वोल्टेज या करंट मिलेगा उसको क्या करना है, सीधे इसको उनके वोल्टेज लेवल को या करंट लेवल को कम करना है। सिंपल सा ये काम होता है अटेन्यूएटर का। अब अटेन्यूएशन जब हम करते हैं तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो सिग्नल, मान लीजिए ये एक अटेन्यूएटर है, ये क्या कर रहा है कि आपको यहाँ पर कोई सिग्नल आ रहा है उसको अटेन्यूएट करके आउटपुट पर दे रहा है। ये इनपुट सिग्नल है यहाँ से, और ये है अटेन्यूएटर जो इसको अटेन्यूएट कर रहा है और अटेन्यूएट करके इसको आउटपुट पर दे दे रहा है। और हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें कोई किसी भी तरीके का डिस्टॉर्शन ना हो अटेन्यूएशन में। डिस्टॉर्शन ना हो, डिस्टॉर्शन ना होने का मतलब कि जो हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं उसके सारे कंपोनेंट्स का, ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मस्ट बी अटेन्यूएटेड सेम। ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स विद सेम डिग्री ऑफ अटेन्यूएशन, उनका जो अटेन्यूएशन हो वो सेम हो सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का। तो ये हमें ध्यान देना पड़ता है जब हमारा कोई अटेन्यूएटर हम डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें ऐसा कोई सर्किट चाहिए जो कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो ही ना, क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को हमें सेम अटेन्यूएट करना है। तो हम अटेन्यूएटर्स को बेसिकली डिज़ाइन करते हैं जो कि प्योर रजिस्टिव होता है। प्योर रजिस्टिव क्यों इसको प्योर रजिस्टिव डिज़ाइन करते हैं, ताकि ये सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का सेम डिग्री से अटेन्यूएशन करें। ठीक है, इसलिए जो अटेन्यूएटर्स डिजाइन करते हैं हम वो प्योर रेजिस्टिव होते हैं। ओके, और प्योर रेजिस्टिव होने की वजह से इनमें, इनका कोई भी फेज कांस्टेंट बीटा इनमें ज़ीरो होता है। फेज कांस्टेंट बीटा इक्वल टू ज़ीरो होता है जब हम प्योर रेजिस्टिव बनाते हैं, और इस तरीके से हमें सारे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स का जो अटेन्यूएशन है वो सेम होता है। ठीक है, ये नहीं किसी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का ज़्यादा अटेन्यूएशन हो, किसी का कम हो, सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का सेम अटेन्यूएशन होता है। कब? जब हम प्योर रजिस्टिव अटेन्यूएटर्स बनाते हैं, मतलब केवल सिर्फ और सिर्फ उसमें रजिस्टेंस का ही, रजिस्टर्स का ही यूज करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो हम ये जो अटेन्यूएटर्स हैं इसको हम पैड्स भी कहते हैं, PAD, पैड्स। तो दीज अटेन्यूएटर्स आर ऑल्सो नोन एज पैड्स। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो अटेन्यूएशन है इसको मेजर करने के क्या यूनिट्स हैं। तो अटेन्यूएशन को जनरली हम दो यूनिट्स इसको डिफाइन करते हैं, या तो डेसिबल में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर नेपर में। नेपर, ये जो डेसिबल होता है, डेसिबल हमारा ये जो यूनिट है ये पावर रेशियो की यूनिट है, पावर रेशियो की। ओके,
ओके, इन दोनों में एक रिलेशन भी है, किसी चीज़ को डेसिबल में उसको हम नेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नेपर में कोई चीज़ है तो उसको डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम देखते हैं। ये जो ऊपर यहाँ पर हमने फिगर दिखाया है, यहाँ पर हमने एक अटेन्यूएशन नेटवर्क बनाया है, इस नेटवर्क में एंटर करने वाली करंट IS है, जिसका इनपुट इम्पिडेंस Z1 है, और ये जो आपका आउटपुट साइड है, यहाँ से निकलने वाली करंट IR है, और इसका आउटपुट या जो जिससे ये कनेक्टेड है उसका इम्पिडेंस Z2 है, ठीक है, या यूं कहें इसका आउटपुट इम्पिडेंस Z2 है। तो यहाँ पर हम देखिए अटेन्यूएशन बेसिकली क्या करता है, अटेन्यूएशन दिखाता है कि किसी भी जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है इसमें कितना पावर लॉस हो रहा है, बेसिकली यही अटेन्यूएशन दिखाता है। तो इस पावर लॉस को डेसिबल या नीपर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए जो नेटवर्क में इंटर करने वाली पावर है वो PS है, PS क्या है, वो पावर जो नेटवर्क में एंटर कर रही है, और जो नेटवर्क से निकल रही है पावर लीविंग द नेटवर्क या रिसीविंग पावर, वह है आपकी PR। तो अगर इनपुट पावर PS है किसी अटेन्यूएटर में और आउटपुट पावर PR है, तो अटेन्यूएशन इन डेसिबल इक्वल टू होता है 10 लॉग बेस 10 मैग्नीट्यूड ऑफ PS अपॉन PR। ओके, तो ये आपका आ गया डेसिबल में अटेन्यूएशन, अटेन्यूएशन डेसिबल। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो अटेन्यूएटर्स अभी हमने डिस्कस किए थे, अटेन्यूएटर्स का काम सबसे पहले तो अटेन्यूएट करना है, तो सबसे पहला काम होता है डिजायर्ड अटेन्यूएशन देना, अटेन्यूएटर्स का काम है डिजायर्ड अटेन्यूएशन देना, जो आपका रिक्वायर्ड अटेन्यूएशन है सबसे पहले वो दें। लेकिन इसके साथ साथ इसको दो चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ता है, सबसे पहले कि जिस नेटवर्क के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं उसका इम्पिडेंस और इसका जो इनपुट इम्पिडेंस है वो सेम होना चाहिए, किसका, अटेन्यूएटर का। अभी देखते हैं हम इसका न होने का क्या हो सकता है, और इसी तरीके से इसका आउटपुट इम्पिडेंस भी, इसका आउटपुट इम्पिडेंस भी उतना होना चाहिए ताकि हम जितना कि जिस इससे लोड कनेक्ट कर रहे हैं। फिर से देखिए, सबसे पहले तो अटेन्यूएटर से हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, अटेन्यूएटर से रिक्वायरमेंट होती है कि वो अटेन्यूएशन दे, जितना हम चाहते हैं उतना अटेन्यूएशन दे। फिर उसके साथ साथ इसकी इनपुट इम्पिडेंस मैच करनी चाहिए, या जितना हमें रिक्वायर्ड है कि मान लीजिए अगर हम यहाँ कोई मान लीजिए कोई नेटवर्क है और इस नेटवर्क से जो निकल रहा है करंट या वोल्टेज, उसको हमें क्या करना है कि किसी अटेन्यूएटर से पास कराना है। तो हम क्या करेंगे, जब उस नेटवर्क को इस अटेन्यूएटर से कनेक्ट करेंगे तो हम ये ध्यान दें उस नेटवर्क का जो इम्पिडेंस है बराबर होना चाहिए इसके इनपुट इम्पिडेंस के। तो जब उस नेटवर्क का इम्पिडेंस इसके इनपुट इम्पिडेंस से बराबर होगा तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, ठीक है, मैचिंग होनी चाहिए ना, इम्पिडेंस मैचिंग होनी चाहिए। तो बेसिकली हम इम्पिडेंस मैचिंग करते हैं, तो इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, तो तभी हमारा एक अटेन्यूएटर डिजाइन होता है। तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि अटेन्यूएशन जो डिजायर्ड हो मिले, इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस रिक्वायर्ड जो हमारी हो प्रॉपर टर्मिनेशन के लिए वो मिले। अच्छा, हम देखते हैं फिर यहाँ पर पावर रेशियो से, हम बता रहे थे कि अटेन्यूएशन में दिखाते हैं, तो यहाँ पर पावर रेशियो को 10 लॉग बेस 10 PC दिखाया हमने, इसको कहते हैं हम अटेन्यूएशन इन डेसिबल। ओके, अब अगर निपर में अटेन्यूएशन हमें दिखाना हो तो यही निपर में अटेन्यूएशन भी हम दिखा सकते हैं, अटेन्यूएशन इन निपर्स। ये करंट रेशियो का होता है, जैसे ये पावर रेशियो का मेजरमेंट करता है वैसे ही करंट रेशियो में अगर हम रिप्रेजेंट करें अटेन्यूएशन इन निपर हो जाता है। कैसे, अटेन्यूएशन इन निपर्स होता है लॉग नेचुरल लॉग बेस ई मॉड्यूलस ऑफ IS डिवाइडेड बाई IR, ये करंट रेशियो। तो ये पावर रेशियो रिप्रेजेंट करता है डेसिबल वाला, और ये
करंट रेशियो, यहाँ पर नेचुरल लॉगरिथम यूज होता है, यहाँ लॉग बेस 10, ठीक है, लॉगरिथम टू बेस 10 यूज होता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको देखते हैं अटेन्यूएशन इन डेसिबल। तो अटेन्यूएशन इन डेसिबल जो होता है, डेसिबल में अटेन्यूएशन, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 लॉग बेस 10 मॉडुलस ऑफ पी एस अपॉन पी आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, आप लोग जानते हैं। तो मान लीजिए जो हमारा इम्पिडेंस जेड वन जेड टू है, उसका रजिस्टिव पार्ट आर वन है आर टू है, ठीक है, जेड वन जेड टू का रजिस्टिव पार्ट आर वन आर टू हो, तो पी एस स्क्वायर इक्वल टू आई एस स्क्वायर आर वन डिवाइडेड बाई पी आर, क्या हो जाएगा, आई आर स्क्वायर आर टू, आई आर स्क्वायर आर टू। ओके, अभी हम यहाँ एक केस कंसिडर कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आर वन आर टू बराबर हो, आर वन इक्वल टू आर टू, तो आर वन और आर टू जब बराबर हो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अटेन्यूएशन इन डेसिबल, हो जाएगा 10 लॉग बेस 10 आई एस स्क्वायर अपॉन आई आर स्क्वायर। या अगर इसको बाहर ले आए, लॉग एम टू द पावर एन होता है एन लॉग एम, तो 10 इंटू टू हो जाएगा 20 लॉग बेस 10 आई एस अपॉन आई आर। ओके, या फिर हम इसको आई एस अपॉन आई आर को हम इसके वोल्टेज के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 20 लॉग बेस 10 ई एस अपॉन ई आर। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा ये 20 लॉग बेस 10 चाहे आई एस अपॉन आई आर या ई एस अपॉन ई आर के रूप में, तो यहाँ पर हमने जैसे रजिस्टिव टर्म माना है आर वन और आर टू बराबर हैं दोनों, आर वन इक्वल टू आर टू है, इस केस में ये हमारा वैलिड होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए निपर वाला क्या था, निपर्स में जो हमने अटेन्यूएशन दिखाया था वो था लॉग बेस ई आई एस अपॉन आई आर, तो आई एस अपॉन आई आर है, या इसको ई एस अपॉन ई आर भी लिख सकते हैं, चाहे आई एस अपॉन आई आर लिखे या फिर लॉग बेस ई ई एस अपॉन ई आर, ई एस अपॉन ई आर। ये किस केस में कंसीडर करेंगे, जब जेड वन जेड टू दोनों बराबर हों हमारे, ये केस तभी होगा जब जेड वन इक्वल टू जेड टू। ओके, और जेड वन इक्वल टू जेड टू है तो इसको आप देखिए, इसको पावर रेशियो में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर हम इसको क्या होता है कि मान लीजिए पावर के रूप में लिखना चाहें, तो पावर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर, तो चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला टर्म इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू लॉग बेस ई, लॉग बेस ई इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट आई एस स्क्वायर अपॉन आई आर स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, इंटू आर वन आर टू, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई एस स्क्वायर आर वन आर टू बराबर है, तो आर वन आर टू को हम बराबर माने हैं, ये केस कंसीडर किए हैं, जब जेड वन इक्वल टू जेड टू होगा तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये आई एस स्क्वायर आर वन, ये पी एस, इसको लिख सकते हैं आई एस स्क्वायर आर वन को पी एस, और इसको लिख सकते हैं पी आर, तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई पी एस अपॉन पी आर की पावर वन बाई टू, अंडर रूट को वन बाई टू लिख सकते हैं, और इसको चाहे तो हम बाहर भी लिख सकते हैं, हाफ लॉग बेस ई पी एस अपॉन पी आर। ओके, एनी प्रॉब्लम, सिंपल है, नेपर्स में हमने था, तो आई एस अपॉन आई आर को हमने लिख दिया आई एस स्क्वायर आर वन अपॉन आर टू का, जब हमने जेड वन इक्वल टू जेड टू माना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फिर आते हैं हम लोग, ये देखिए हमने निकाला था 20 लॉग बेस 10 आई एस अपॉन आई आर के बराबर इसको निकाला था, या फिर हम इसको यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं,
हम लॉग बेस 10 है, लॉग बेस 10 को लॉग बेस ई में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, 20, इसको लॉग बेस ई में भी या नेचुरल लॉगरिथम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई एस अपॉन आई आर, बसरते आई एस अपॉन आई आर, जबकि हम इसमें गुणा करें लॉग 10 बेस ई का, और इसकी वैल्यू होती है 1/2.303। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो अटेन्यूएशन इन डीबी आ जाएगा, अटेन्यूएशन इन डीबी आ जाएगा इक्वल टू 1/2.303, इसको गुणा करेंगे 8.686, इसकी वैल्यू आएगी 8.686 लॉग बेस ई आई एस अपॉन आई आर। ओके, और ये है क्या, दिस इज अटेन्यूएशन इन नेपर। तो अटेन्यूएशन इन डीबी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं अटेन्यूएशन, अटेन्यूएशन इन डीबी इक्वल टू 8.686 अटेन्यूएशन इन नेपर इन टू अटेन्यूएशन इन नेपर। अटेन्यूएशन इन नेपर्स, ठीक है, या फिर तो अगर हमें डीबी में अटेन्यूएशन दिया हो तो उसको 8.686 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी अगर हमें नेपर्स में अटेन्यूएशन दिया है और उसको हम मल्टीप्लाई कर दें 8.686 से तो हमें डीबी में अटेन्यूएशन मिल जाएगा, या फिर हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं अटेन्यूएशन इन नेपर्स इक्वल टू, दोनों को एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अटेन्यूएशन इन नेपर्स इक्वल टू ये 1/5 में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0.1151 इंटू अटेन्यूएशन इन डीबी। तो इस तरीके से हम डीबी में और अटेन्यूएशन और नेपर्स में अटेन्यूएशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ये फार्मूला है आपका, ठीक है। तो ये था अटेन्यूएशन को मेजरमेंट, अटेन्यूएशन की मेजरमेंट करने के लिए ये यूनिट्स थी आपके डेसिबल और नेपर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो डेसिबल में अटेन्यूएशन होता है जिसको हम डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अटेन्यूएशन इन डेसिबल डी इज इक्वल टू होता है 10 लॉग बेस 10 पी एस अपॉन पी आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 20 लॉग बेस 10 अंडर रूट पी एस अपॉन पी आर, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसको चाहे अंडर रूट लिखे चाहे पावर 1/2 लिखे, 1/2 जब बाहर आएगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ओके, और ये पी एस को आप क्या लिख सकते हैं, पी एस अपॉन पी आर क्या होता है, पी एस अपॉन पी आर क्या होता है, पी एस इक्वल टू आई एस स्क्वायर इंटू आर वन डिवाइडेड बाई आई आर स्क्वायर इंटू आर टू, अगर आर वन आर टू बराबर हो तो ये हो जाएगा आई एस स्क्वायर अपॉन आई आर स्क्वायर, कब, जब आर वन इक्वल टू आर टू, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम ये जो आपका ये टर्म आया है ये अंडर रूट पी एस अपॉन पी आर, तो चाहे हम अंडर रूट पी एस अपॉन पी आर को हम हटाना चाहें करंट के रूप में जब आर वन इक्वल टू आर टू हो, तो अंडर रूट पी एस अपॉन पी आर की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, आई एस अपॉन आई आर, है ना भाई, अंडर रूट दोनों तरफ ले लीजिए तो अंडर रूट पी एस अपॉन पी आर इक्वल टू आई एस अपॉन आई आर लिख सकते हैं, एक नहीं, या फिर इसको हम एन से भी रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर आई एस अपॉन आई आर को या अंडर रूट पी एस अपॉन पी आर को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एन से, ठीक है। तो एक चीज़ ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि एन को हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, एन इक्वल टू आई एस अपॉन आई आर या फिर अंडर रूट पी एस अपॉन पी आर। तो अब यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेसिबल में अटेन्यूएशन इक्वल टू 20 लॉग बेस 10 एन, एन होगा, या फिर एन को अगर हमें लिखना हो एन इक्वल टू क्या होगा डी के रूप में, तो कैसे लिखेंगे,
ये हो जाएगा डी अपॉन ट्वेंटी का एंटी लॉग बेस 10 पर। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग एटीन्यूएटर्स को क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एटीन्यूएटर्स पढ़ेंगे। व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एटीन्यूएशन? तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एटीन्यूएटर्स है। एटीन्यूएटर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिमेट्रिकल एटीन्यूएटर्स और असिमेट्रिकल एटीन्यूएटर्स। सिमेट्रिकल एटीन्यूएटर्स क्या होता है? सिमेट्रिकल एटीन्यूएटर्स ऐसा एटीन्यूएटर्स होता है जिनको इसको कनेक्ट कहाँ करते हैं, यहाँ सोर्स होगा कोई और कोई लोड होगा उसके बीच कनेक्ट करेंगे। तो सिमेट्रिकल एटीन्यूएटर्स को सोर्स और लोड के बीच में कनेक्ट करते हैं और ये रेजिस्टिव, पहली बात मैंने बताया था, ये रेजिस्टिव नेटवर्क होता है, रेजिस्टेंस का यूज करके हम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? ताकि ये सभी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स का समान रूप से एटेन्यूएशन कर सके। और ये जो सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर है इसमें जो इनपुट इम्पिडेंस है और आउटपुट इम्पिडेंस वो दोनों बराबर होते हैं। तो आप यहाँ देखिए सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ये टी सेक्शन एटेन्यूएटर है, तो इसको हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल टी सेक्शन एटेन्यूएटर, टी सेक्शन एटेन्यूएटर। तो यहाँ पर देखिए ये R1, R2 और इसको चाहे आप इधर से देखेंगे चाहे इधर से देखेंगे आपको इसका इम्पिडेंस सेम मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए होगा ये सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर, जबकि असिमेट्रिकल एटेन्यूएटर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखिए ये एक असिमेट्रिकल टी सेक्शन एटेन्यूएटर दिखाया गया है, ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3। यहाँ से देखिए यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस RI है, आउटपुट रेजिस्टेंस R0 है, RI ≠ R0, ठीक है। तो ये असिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स होगा। तो इस तरीके से असिमेट्रिकल नेटवर्क्स और सिमेट्रिकल नेटवर्क्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे यहाँ टी सेक्शन को हमने बताया, ये पाई भी हो सकता है, ब्रिज टी हो सकता है, तो चाहे सिमेट्रिकल में या फिर वही चीज पाई ब्रिज टी, दोनों असिमेट्रिकल में, ओके। तो इस तरीके से ये था कुछ बेसिक्स ऑफ एटेन्यूएटर्स। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।